व्याप्यलोकान् भोक्त्वा भोगास्तविष्टान् पुनरपि शीशदोर्भाषितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वमिति मधुमधुं मायया भोजयन्नो माया सङ्ख्यातुरीयम् परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। अलौकिक वस्तु को समझाने के लिए अथवा जो सामान्य बुद्धि में नहीं आता उसको समझाने के लिए पहले जो सामान्य बुद्धि में बैठे हुए सब में उसको पहले दृष्टांत के माध्यम से समझाना दृष्टांत बनाना। तो स्वप्न को दृष्टांत बना करके उचित देश काल फिर स्व प्रमाण की अभाव किसी का सहमति का अभाव प्रयोजन सिद्ध नहीं करता फिर संस्कार जनित आध्यात्मिक कई हेतु दे करके स्वप्न मिथ्या ये तो निश्चय है। और ये जितना हेतु यहाँ पे दिख रहा है ये सारा हेतु विश्वत्व ग्राह्य ग्राह्यत्व सब हमारे जागृत में बैठा हुआ है इसलिए जागृति मिलती है। इस प्रकार युक्ति के द्वारा शुद्ध करने के बाद सभी कल्पित है तो क्या स्वप्न दृष्टा भी कल्पित है क्या बोलता नहीं है। स्वाप्नि वस्तु कल्पित है स्वप्न कल्पित है तो स्वप्न दृष्टा कल्पित है वो अधिष्ठान कल्पना ये सब ये जो है कल्पना कहाँ से शुरू करते हैं क्या बोलते हैं पहले जीव भाव से कल्पना शुरू करते हैं और फिर जो जीव होने के बाद जीव की उपयोगी अपने अपने लिए अपने आप कल्पना कर लेते हैं ठीक है ना। तो इसके लिए ये होता क्यों है कल्पना कल्पना इसलिए होता है कि अधिष्ठान तत्व की अज्ञान अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण ही हमारे ऊपर विकल्प होता है और जब इस स्वरूप का ज्ञान हो जाता है सारा विकल्प होने लगता है। अब क्या क्या विकल्प करते हैं उसको लेकर के बोले थे कि सबसे बड़ी बात है कि प्राण आदि जितना विकल्प करते हैं प्राण शरीर मन बुद्धि जितना हमारे जो है हार्ट किडनी जी भी हम कल्पना किए हुए हैं ये सब ऐसे इसके ऊपर हमारा आसक्ति हो जाता है जया सम्मोहितम स्वयं इसी को रक्षा करने के लिए पूरा जिंदगी बीत जाता है अपनी कल्पित वस्तु को रक्षा करने के लिए जिंदगी पूरा बीत जाता है। फिर जो है अलग अलग वादियों के सृष्टि तत्व को लेकर के जो मतलब सिद्धांत है तो मान्यता है उसको थोड़ा सा सामने ला करके यहाँ पे दिखा रहा है कि किसी भी प्रकार से सृष्टि होना संभव ही नहीं है किसी भी प्रकार से सृष्टि होना संभव नहीं है। अलग अलग वादियों ने सृष्टि के मूल तत्व को जो जिस प्रकार से माना उसमें दोष दिखा करके बोलेंगे देखो इस पार्वतिक सृष्टि होना संभव नहीं उसके पीछे क्या है जब पूछेंगे उसके पीछे क्या है तो उसका उसके पास उत्तर नहीं है। कल हमने किसको भी पढ़ लिए थे जो प्राण तत्व को उपासक है हिरण्यगर उपासक लोग हिरण्यगर लोग सबसे श्रेष्ठ तत्व मानते हैं और उसी से जगत सृष्टि होती है। शास्त्र से हिरण्यगर व समवर्तक आग्रह ऐसा स्तुति वक्त देती है तो सबसे पहले भी कौन है हिरण्यगर जो अपने आप उत्पत्तिशील है तो उत्पत्ति उसी से सारा सृष्टि कैसे हो सकता है वो तो भी उत्पत्ति का अंतपाती हो गया इसलिए मूल कारण नहीं हो सकता। और मूल कारण जानने के लिए मतलब ये जो उत्पत्ति इससे हुआ है हिरण्यगर्भ से उत्पत्ति हुई है ये जानने के लिए हमारा हिरण्यगर्भ के पीछे कोई चाहिए इसीलिए हिरण्यगर्भ का मूल तत्व नहीं हो सकता। तब कोई बोलता नहीं नहीं हिरण्यगर्भ में दिखाई नहीं करता वो नहीं हो सकता भूत मंच महाभूत दिखाई पड़ता कोई चार महाभूत मंत्र जिस सारा व्यवहार होता है तो भूत की सृष्टि का अरे भाई भूत यदि चार तत्व होगा एक दूसरे को परिच्छिन्न करेगा और एक दूसरे को परिच्छिन्न करेगा तो क्या हो जाएगा परिच्छिन्न वस्तु नाशवान होता है भिखारी होता है अनित्य होता है ये कैसे मूल तत्व हो ये कैसे मूल तत्व इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तब बोलते अरे ये लोग को लड़ने जो ऐसा ही हम नहीं मानते गुण तीन गुण के द्वारा हुआ सृष्टि होता है सत्य गुण रजगुण तमगुण इसके साम्य अवस्था में प्रलय होता है इसका विक्षेप सृष्टि होते रहते तब इसका साम्य अवस्था विक्षेप अवस्था परिवर्तन के लिए हेतु क्या है कैसे होगा इसका परिवर्तन तो उनके पास उत्तर नहीं है ठीक है। जो दर्शन में आके ईश्वर पढ़ा है पुरुष विशेष मान करके तो शंकर पास उत्तर नहीं
शेषक शब्द बन आएगा यहाँ पे आगे। और कोई बात ही नहीं, पशु पशुपति मत वाले लोग तीन तत्व मन है, पशु पाश और पशुपति, वो तीन तत्व क्या, आत्मा अविद्या और श्री पुलिस का पशु जो मन है तीन। अब उनसे पूछते हैं तीनों ही तत्व है कि तीन मिलकर के तत्व है, क्या उत्तर देगा वो? यदि तीनों ही मूल तत्व तो किसी एक से कम चल सकते हैं, अब ये तीनों मिलकर के तत्व तो किसी एक बिगड़ गया तो गया काम, तो काबू होने वाला नहीं है। इस प्रकार से जो है इन वादियों की मत, भगवान भाष्यकार तो बोला कि इसके ऊपर विचार करने से लाभ ही नहीं, फल को प्रयोजन अथवा इस पर आनंद के लिए इसके पीछे थोड़ा थोड़ा भित्र तत्व क्या है उसको थोड़ा लिखें। आज हम लोग 21 से शुरू करेंगे, ठीक है, 21 21 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं एक कोई वादी ऐसा है कि एक ही आत्मा में तीन चीज है, क्या हो गया, जीव जगत और जगदीश्वर, और वो पात के रूप में कल्पना करते हैं, विश्व जो पात है ना, एक अंश रूप में कल्पना करते हैं। अब बताओ जीव यदि परमात्मा की अंश होगा, परमात्मा पूर्ण है, जीव परिच्छेद उसका अंश है, बहुत अच्छी बात। अब परमात्मा जो व्यापक है, सबसे बड़ी परेशानी जीव, जिस पर मान लीजिए आपके पैर के नखून वो एक जीव है, परमात्मा वीरा शरीर पैर मतलब नरक आदि में है। अब वो अपनी उस वहाँ के भूख समाप्त हो गया, अब जो है उसको सर पे जाना है, मतलब स्वर्ग आदि में जाना है, कहाँ से जाएगा, कहाँ से जाएगा, परमात्मा पूर्ण व्यापक है, तो परमात्मा के अंदर से जाएगा, उसका अंदर पीड़ा आपके शरीर में छोड़ रहा है, चूड़ी को चूड़ने भी आप जो है पीड़ित होते हो, तब जब ये जीव आवागमन करेगा सिर्फ परमात्मा के शरीर के अंदर से, उनमें क्या दुर्दशा कर दोगे, सारा शरीर में जो है आप दुर्दशा बना दोगे परमात्मा। इसलिए ऐसा जो अंशांश कल्पना भी जब तक उनको अपने पक्ष में बोलने के लिए कुछ तो श्रुति वाक्य अथवा गीता मिल जाते हैं, पाद वस्तु विश्वभूतानि त्रिपाद समृतम दिवी अथवा ममई वंश जीवलोके नाना अंश अंश व्यापदेशा अलग अलग है, अंश नाना व्यापदेशा जो अंश है अलग अलग है ब्रह्मसूत्र। इस प्रकार से श्रुति स्मृति से आपको कुछ प्रमाण तो मिलता है, पर उसका तात्पर्य उसमें नहीं है, वो नहीं समझते। ये कौन बाकी कौन जो अंशवादी, ये तो वैष्णव लोग हैं, वैष्णव लोग अंशवादी मानते हैं, रामन तो कई वादियों में है, रामन कई वादियों के मुख्य रूप से एक शैव लोग तो बोलते हैं पाश पशु पाश और पशु ये लोग थोड़ा सा और हट करके अंश बना दिए जीव कोई पात को लेकर के, देखिए आगे बोलेंगे पादा इति पाद विदो, पादा इति पाद विदो, विषया इति तद्विदः, विषया इति तद्विदः, लोका इति लोक विदो, लोका इति लोक विदो, देवा इति च तद्विदः, देवा इति च तद्विदः, पादा इति पाद विदो, विषया इति तद्विदः, लोका इति लोक विदो, देवा इति च तद्विदः। यहाँ जो चार वादियों को सिद्धांत को लेकर से वैष्णव लोग जीव को अंश मानते हैं, परमात्मा के पाद एक पाद अंश, पहला पार्ट उनका वैष्णव वाला वैष्णव वाला, दूसरा विषय इति तद्विद, ये तो वात्सय निश्चय के जाए ना, जो काम शास्त्र के प्रवर्तक है वात्सय में चार जगह का काम क्या है, विषय भोग, और विषय ही जो है मुख्य रूप से जगत दृष्टि के भोग से आगे बोलेगा भोगता को लेकर के। और बोलते नहीं नहीं देखो भाई कि जो भोग को वस्तु और भोक्ता दोनों नाश हो जाते हैं श्लोक में, भोग को वस्तु खराब हो जाएगा, भोग को वस्तु और जो है भोगता भोग करने वाले अंश रूप में इसको माना वो सही नहीं है, परंतु लोक पृथ्वी का नाश नहीं हो इसलिए लोक आई थी पौराणिक लोग ऐसा माने, पौराणिक पुराण में ऐसा माने लोग कुछ सच माने। बोलते कि अरे भाई लोक प्राप्ति करोगे कैसे, लोक प्राप्ति करोगे कैसे, देवताओं के बोलते जाग जो देवता ही तुमको फल देना है, इसलिए देवा इति च तद्विदः, देवता लोग फल देने वाले होते हैं, देवता ही तुमको लोग पूछेंगे देवता को लेकर के, कोई देवता ही जो है मुख्य तत्व है, ऐसे देव भी पौराणिक बात है, देवता भी पुराण के एक भाग एक पुराण के एक लोग देवताओं को मान के चलते हैं, कुछ लोग देवताओं को मान के चलते हैं पुराण, और कुछ लोग क्या होता है लोक मान्यता देते हैं। अब लोक प्राप्ति के हेतु तो देवता लोग है वही लोग जाग जग लेकर के प्राप्त करते हैं, अब यहाँ पे देवताओं को बोला, अब देवता माध्यम को लेकर के भी कोई बोलेगा आगे बोलेगा यज्ञ करके,
मेरा या किस प्रकार से अलग अलग उस समय हमको लगते हैं कि मतलब जब बहुत पता चलते हैं लिख रहे हैं तो अलग अलग बात ही मतलब सिद्धांत तो टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है भारत में फैला होगा अलग अलग हाँ अलग अलग जगह पे थोड़ा सा जो कि शंकराचार्य ने सबको एक किया हाँ बाद में शंकराचार्य जो है सब आपके सबको धीरे धीरे एक करते सनातन परंपरा में जो भी एक सिद्धांत मिला है ऐसा लोग थे पादा इति पादविदो विषया इति तदविद पाद मतलब जीव अंश अंश भोग करेंगे कैसा जीव परमात्मा के अंश होकर भोग विषय को भोग करते इसलिए विषय विषय भोग के लिए जन्म होते हैं शरीर प्राप्त करते इसलिए विषय ही मूल तत्व है ये बोलता है कि भाई विषय है और भोग करने वाला भोग को वो तो सारा नाश होता है परंतु जिस लोक में रहता है उसका नाश नहीं होता इसीलिए लोक तत्व है तो कोई बात ही बोलता है उसके पीछे मन पौराणिक देवता वादी लोग बोलो क्या बोलते हैं अरे लोग प्राप्त कैसे करोगे तुम देवता नहीं होगा तो इसलिए देवता ही तत्व है इस प्रकार से कुछ मानना है जैसे आनंद के लिए थोड़ा थोड़ा समझाएंगे बोलते हैं यहाँ पे एकस आत्मनो विषादय पाद सर्वव्यवहार हेतवो भवन्ति इति अपि कल्पना मात्र एक ही आत्मा में जागृत स्वप्न सुषुप्ति के भेद की कल्पना करके ये विश्व है ये तेजस है इस प्रकार से एक एक पाद की कल्पना करना है एकस आत्मनो विषादय पाद अथवा तीन पार्ट में पौराणिक लोग ऐसे मानते हैं ईश्वर चित अचित दोनों के द्वारा विशिष्ट है चित अचित दोनों के द्वारा विशिष्ट है ईश्वर ठीक है ना चित रूप में जीव रूप में दिखाई पड़ते हैं अचित रूप में जगत दिखाई पड़ते हैं अचित अचित दोनों रूप में करके विशिष्ट ईश्वर दिखाई पड़ता है इस प्रकार से जो है पुराणों में अथवा हमारा जो है अंश लोग ऐसा मानते हैं अंश अंश मानने वाले अंश वाला ऐसा मानते हैं क्या मानते हैं एक अंश से चेतन जीव दिखाई पड़ता है एक अंश जड़ात्मक जगत दिखाई पड़ता है दोनों का मिला हुआ अंश ईश्वर परंतु कोई पारमार्थिक तत्व नहीं है यही तो बोला आपके पक्ष में मैं बोला ना इस पक्ष में आपको इस अंश पक्ष में आपको क्योंकि उसका कहाँ तात्पर्य है नहीं श्रुति भी है भारवर्ष विश्व भूतानि त्रिपादश समृतम भी एक पात्र करके बोलते हैं तो इस प्रकार कोई मतलब उस पर देखिए तात्पर्य स्फुलिंगा में नहीं है वहाँ पे तात्पर्य है कि उष्णता की मात्रा में जलाने की क्षमता में उस विस्फुलिंग में जितना है अग्नि में भी उतना ही है ये दिखाने के लिए विष्णु को दृष्टांत दिया हुआ है और वहाँ पे और भी क्या दिया था जो विस्फुलिंगा आग अथवा धुआं चिंगारी या अंगार ये सब ये अब जब अलग अलग रूप में दिखाई पड़ेगा अलग अलग रूप में दिखाई पड़े से कहाँ विद्यमान था सब इसलिए जो सृष्टि से पहले जिसमें व्यवहार काल में थोड़ा भिन्न दिखाई पड़ते हैं परंतु फिर जब फिर उसी प्रकृति में लय प्राप्त करते हैं प्रकृति उसका मूल तत्व इस प्रकार से मैत्री ब्राह्मण में भी ऐसे ही कहा गया है मैत्री ब्राह्मण में ऐसा समझाया गया एक हो गया आपका अग्नि विस्फुल्लिंग दृष्टांत दिया और एक स्थिति काल को लेकर के दिया जैसा बिना वे वर्तमान आए मतलब जैसे बिना को बजाओ भेड़ी को बजाओ मतलब कभी भी कोई विशेष सामान्य को आश्रय किए बिना नहीं रह सकता कोई भी विशेष सामान्य को आश्रय किए बिना नहीं रह सकता ठीक है ना इसलिए सामान्य सत्य विशेष उपाधि मतलब व्यवहारिक है सही और थर्ड देखा था एकायन प्रक्रिया एकायन प्रक्रिया में जैसे अगर समस्त नदियों का जल एक ही समुद्र में जाके मिलते हैं इसलिए समस्त रूप का एक ही आश्रय है वो क्या है छांक समस्त गंध शब्द का एक ही आश्रय है शब्द इस प्रकार से एकायन प्रक्रिया के माध्यम से जो है एक मतलब सृष्टि स्थिति लय काल में जो वस्तु जिसको छोड़ करके नहीं रह सकता उसका स्वरूप ही होता है ऐसे मैत्री ब्राह्मण तो ये पादविद को लेकर हमारे पास तो बोलना श्रुति वाक्य भी मिलते हैं श्रुति वाक्य क्या मिलते हैं पादवश्य विश्वभूतन त्रिपादी जी का स्वरूप में दिखाया और जो भगवद्गीता में दिखाई देते हैं क्या दिखाते हैं ममई वंश जी बोलोगे ये दूसरा अर्थात क्या है नाना अंश नाना व्यपदेशात्म तो इससे क्या अंतर है अंश है परंतु वहाँ तात्पर्य इसमें ये पूर्व पक्ष सूत्र है उत्तर पक्ष सूत्र आपको कुछ पता ही नहीं एक सूत्र उद्धित कर दिया क्योंकि ब्रह्म सूत्र में कुछ पूर्व पक्ष सूत्र भी है कुछ सिद्धांत सूत्र भी है ये नहीं समझे वो तो जरूर तुम्हारे गुरु जी ने बोला नाना इस प्रकार से यहाँ पे ये पाद इति पाद विदह मतलब एक पाद को लेकर के अंशों को लेकर के मैं बोला तीन प्रकार से इसका एक मतलब एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति और लोग दोनों इसका आश्रय में रहते हैं परंतु वहाँ पर इनका मान्यता क्या है कि ये परा अपरा दोनों प्रकृति और दोनों मिल करके ईश्वर परंतु हमारे सिद्धांत क्या है
कि इससे भिन्न है स्वतंत्र, उसके ऊपर दिखाई पड़ता है। परापरा प्रकृति जिसके तरह सृष्टि करता है ईश्वर क्या होता है कि उसके ऊपर प्रतीति है। इसीलिए यहाँ पे दो पार भाग में विभाजन किया, एक होता है चित्त विशिष्ट भाग हो गया जीव रूप में दिखाई पड़ता है, अचित विशिष्ट भाग आपका जगत रूप में दिखाई पड़ता है, अचित अचित मिला हुआ जो मिलकर के ईश्वर रूप में दिखाई पड़ता है, ऐसा अंश अंश वाले मानते हैं। एकस्य आत्मनो विश्वादय पारा सर्व व्यवहार एक ही आत्मा का विश्व तेजस पार होते हैं, मतलब पार है उसका सर्व व्यवहार के हेतु हो रहा, व्यवहार के लिए हेतु परमात्म नहीं है। भगवान इति अपनी कल्पना मात्र, इस प्रकार जो लोग मानते हैं वो भी कल्पना मात्र है। क्यों? नील अंशस्य आत्मनो अंश भेद अनुपत्त, आपने आत्मा को क्या माना, सावयव माना कि निरवयव माना? विभाजन कैसे करो? नील अंश आत्मन अंश भेद अनुभवत्या पाद अनुभवत्य, इसलिए हम एक पाद की कल्पना करते हैं कि एक भाग जीव है एक भाग जगत है, एक दोनों मिलकर के तो माया तो लेकर के हम बोलते हैं तो माइक है, पारमार्थिक तो नहीं है, ये लोग इसको पारमार्थिक मानते हैं, भेद अभेद दोनों को पारमार्थिक मानते हैं, जगत को सत्य मानते हैं, जीव को इसलिए कि हमको भी सत्य मानते हैं। जो पारमार्थिक सत्य वस्तु का जीव भाव से कभी मिटा पाओ, जैसे जीवत्व हमारे जीवत्व यदि पारमार्थिक सत्य वस्तु है तो जीवत्व का मिटने वाला नहीं है। यहाँ पे जो भी कुछ बोल रहे हैं ये लोग इसको इसको पारमार्थिक तत्व मान करके व्याख्या करते हैं, ये अभिप्राय से बोल रहे हैं इन लोगों को, इस अभिप्राय से बोल रहे हैं। इसे बोलता है पाद अनुपत्ति पादा इति पाद विदो। अच्छा भाई, अब आगे विषय को लेकर के बादशाहन प्रवृत्ति नाम कल्पना कथित बादशाह, इसका नाम दे करके बोल रहे हैं ये काम शास्त्र के प्रवर्तक है, प्रवर्तक बादशाह ऋषि, तो उनको जो है ये भोग के लिए सृष्टि है इसलिए उनका मान लेना भाई। देखो खाना तो हम सभी खाते हैं, पर तो कोई खाने के लिए जीते हैं, कोई जीने के लिए खाते हैं, है कि नहीं? ये जो जो लोग केवल खाने के लिए जीते हैं ये इस पंथ में भोग तो वस्तु के पीछे, ठीक है जीने के लिए तो खाना पड़ेगा, उससे भी असुविधा नहीं है। ये लोग किस बात है बादशाह प्रवृत्ति नाम कल्पना नाम कहते बादशाह प्रवृत्ति जिनका अनुजाई लोग होगा इसीलिए प्रवृत्ति बोल रहे हैं। हम लोगों को इतना पुराण के ऊपर हमारा उतना कमेंट नहीं है, इसी के बाद तुमको इसी को पढ़ के जितना समझ में आता है। कल्पना कथित क्या बोलते हैं विषया इति तद्विद, नहीं नहीं विषय ही जगत के मूल तत्व, लेकिन विषय भोगने के पीछे ही दौड़ रहा है, इसलिए विषय मूल तत्व है, कोई जीव को प्रवर्तित करता है सृष्टि के कोई होता है विषय। अरे भाई ये विषय जो है कहाँ भोगोगे, कोई ना कोई लोक में, लोक में तो जाके भोगोगे, इसीलिए विषय भी अनित्य है और भोक्ता जीव भी अनित्य है, परंतु लोक नाश नहीं होता। देखो मैं ये शरीर भोगने के लिए आया था, ये भोग वस्तु था, ये शरीर भी जाएगा ये भी जाएगा, परंतु कैलाश आश्रम का नाश होगा क्या? मतलब सापेक्ष रूप में बोल रहा हूँ, यहाँ कितना व्यक्ति का परिवर्तन हो गया ये लोक रूप में, इसी प्रकार भूलोक को समझ लो, इसी प्रकार भूत भूभसम हो जाना था वो सत्म जो वो सत्य है वो नाश नहीं, उसमें भोग करने वाले जी ऐसा बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं शब्दादय विषय भूय भूय भुज्यमाना तत्त्वमिति विभ्रम मात्रम, ये जो शब्दादि शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय है बार बार इसको भोग कर उसका संस्कार है उसको लेकर हम बार बार जन्म ले तो वही तो तत्व है, विषय भोग ही आपका जो जन्म मृत्यु की सृष्टि के हेतु बनता है, इसलिए वही तत्व है ये मानना पड़ेगा। शब्दादय विषया भूय भूय भुंजमान शब्दादि विषय बार बार भोग करते हुए तत्व फिर हमारा जन्म सृष्टि आदि होते, इसलिए वही तत्व है, परंतु ये भी एक विभ्रम मात्र में भी एक प्रकार की भ्रांति है। क्यों? क्योंकि देखो इस प्रकार से पुराणों में ऐसा ही कहा गया विषस्य विषयानां च दूरम अत्यंतमंतरम भूम उपभूतम विषम हन्ति विषया स्मरणादपि, सुंदर श्लोक क्या बोलते हैं देखो विषस्य विषयानां च सर्प की जहर तो कोई भी जहर हो और विषय इन दोनों में हिल एंड हेवन डिफरेंस है, विषय जो है विष से भी अधिक जहरीला,
विषय विष से भी अधिक जहरीला है। विवेक चूड़ामणि का श्लोक बताऊंगा मैं, यहाँ पे विषस्य विषयानाम च दुर्लभ अत्यंतम अंतरम, इसके अत्यंत गैप है, भिन्नता है दोनों में। क्यों, क्या भिन्नता है? बोलता है उपभोक्तम विषम हंति, विष तो जहरा, जहर किसको मारता है? जो जहर को खाया उसको मारेगा। परंतु विषया स्मरणादपि, कोई जहर को चिंतन करे कि मैं जहर खा के मरूंगा, मरेगा नहीं, परंतु विषय चिंतन करेगा तो जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता ही रहेगा, मृत्यु के लिए। ये पुराण का, ये पुराण का श्लोक है। जहर विशेष विषयानाम च दुरम अंतरम, दुरम अत्यंतम अंतरम, उपभोक्तम विषम हंति विषया स्मरणादपि। भगवान भाष्यकार विवेक चूड़ामणि लिखते हैं, दोषेण तीव्र विषय कृष्ण सर्प विषादपि, दोषेण तीव्र विषय कृष्ण कृष्ण सर्प विषादपि, विषम हंति भोक्तारम दृष्टारम चक्षुषा अयम, विषम हंति भोक्तारम दृष्टारम चक्षुषा अपि अयम। क्या बोलने पे, विषय दोषेण तीव्र विषय, विषय यानी जो दोष है ना वो जहर से भी अधिक तीव्र है। दोषेना तीव्र विषय कृष्ण सर्पाद विषादक, काला जहरीले सांप के बीच में जितना जहरीलापन रहता है विषय में उससे भी अधिक जहरीलापन। क्यों बोलते वहाँ, यहाँ पे तो इस रूप में बोलते स्मरणादपि, और यहाँ पे बोल रहे स्मरण मतलब अंतर का स्मरण कर दो, और भाष्यकार बोल रहे हैं वहाँ पे कि विषय हंति भोक्ता, विष किसको मारते हैं, विष हंति, हाँ केवल जो भोक्ता है, परंतु दृष्टारम चक्षुषा भी, आँख से विषय को देख लेने पर भी ये उसको भी मार देते हैं। क्यों, फिर ठहरते विषय अंक जो संगत से किया जाए, ये विषय का बनी विषय स्पेलिंग में भी समझ लीजिए ना, विषय में पहले तो बीस तो आई, विषय वो तो बोलना है कि विषय से चल कोई ध्यान नहीं देता, मतलब कितना बीस है। तो इसीलिए ये विषय तो कम से कम मूल तक तो नहीं हो सकता सबको मारने के लिए, क्योंकि आज तक कोई दार्शनिक लोगों ने जो कि संसार के तत्व को मूल तत्व को ढूंढने के पीछे हेतु यही था, क्या हेतु था, अत्यंतिक दुख निवृत्ति कैसे हो, मनुष्य को दुख निवृत्ति कैसे, दार्शनिकों की उपयोगिता इसी में है, और ये तो जन्म मृत्यु में लगा रहेगा, ये कैसे तत्व हो सकता है, भोग वस्तु भोग को वस्तु इसके पीछे बना हुआ है, चार वर्ष सिद्धांतों के मुख्य रूप से अलग अलग विषय में। तो विशेष विषयानाम च दुरम अत्यंतम अंतर, दोनों के अंदर दूरता है, क्योंकि दोनों में भिन्नता है, क्या भिन्नता है, उपभोक्तम विषम हंति, जो विष को खाता है उपभोक्त उपभोग करता है उसको जो विष मारते हैं, विषया स्मरणाद, विषय क्या होता है, स्मरण से भी मारते हैं, उनको उससे क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण क्या बोला, ध्यायते विषयान पुंस स्मरण, विषय के ध्यायते विषयान पुंस संगात त्रिशु को जायते, संगात संजयते कामम, कामात क्रोध अभिजायते, क्रोधात भवति सन्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश, विषय से स्टार्ट, हाँ और विषय चिंतन से, हाँ बिल्कुल ठीक का पुनः विवरण, इतना क्रम से भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल खोल के क्रम से बताया, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे इससे ऐसा करोगे तो ये होगा, इससे ये करोगे तो ऐसा होगा, ध्यायते विषयान पुंसः संगात त्रिशु, जैसे विषय स्मरण करेंगे ना उसका आसक्ति आ गया, और आप किसी को बोला मैं ये लेना चाहता हूँ, वो व्यक्ति उसका डिमेरिट बोलेगा, और मेरा मन तब तक क्या करेगा उसका पक्ष में, कितना मेरिट है वो हम लॉजिकली उसको अपने को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, उसमें ये लाभ है, उसमें ये लाभ है, उसमें ये लाभ है, ये मन सोचता रहेगा, ध्यायते विषयान पुंसः संगात त्रिशु, संगात संजयते काम, जैसे वहाँ का आसक्ति हुआ ये वस्तु मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, जब क्या होगा किसी कारण से वो नहीं मिला, कामात क्रोध, ये हमेशा कभी भी अपने में कोई गुस्सा हुआ तो समझना इसके पीछे हमारे कुछ भाषण में बैठे हुए, भगवान श्री कृष्ण ने ये जो सूत्रवाक्य है ये सूत्रवाक्य हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो तुरंत समझना कि हमारे अंदर कोई भाषण में बैठे तो क्या है उसको ढूंढो, बैठे ढूंढने लगोगे क्रोध भग जाए, दुर्भाषा मुनि का कामना नहीं था लेकिन क्रोध का, नहीं नहीं उनका भी कुछ कामना ये था कि मुझे सम्मान मिले, लोकेशन वैराग्य तो हमें कोई अपमान ना कर दे, ये सूक्ष्म जो वासना होते हैं ना ये इसे कितना, क्योंकि उत्तेषणा वित्तेषणा वो त्याग करना आसान है, लोकेशन आसान से नहीं जाता, सभी के अंदर सिर्फ कोई छोटा बच्चा भी नहीं चाहता कि मान लीजिए छोटे 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 में जब वो बीड़ी पीना सीखते हैं छुपा के घूम पीते हैं, क्योंकि जानते हैं कि लोग मेरे को खराब बोलेगा, यानी कि मुझे खराब बोले कोई नहीं चाहता चाहे हम गलत काम क्यों न करें, इसलिए
जो वो क्या होता है कि एक क्रोध के पीछे हमेशा ध्यान रखना है कि जरूर यहाँ पे कोई ना कोई वासना बैठी है। और यदि हम एक बार उसको ढूंढ पाएंगे तब निश्चित ही वो क्रोध फिट नहीं होगा। इसलिए हम ये बोलते हैं कि विशेष विषयानम के दुरम अत्यंतम अंतरम उपभुक्तम विषम हंति विषय स्मरणादीति विषय अनुसंधान से। इस प्रकार विषय का अनुसंधान निंदितत्वाद विषय की चिंता करो, उसका तो शास्त्र में निंदा किया गया है। इसलिए विषय कैसे जगत का मूल कारण हो सकता है, जब सृष्टि के पीछे कारण हो सकता है। इसलिए विषय अनुसंधान से निंदितत्वाद तेषां पारमार्थिक तत्व भाव अनुभव, वो पारमार्थिक तत्व को भागवत ये कहना युक्तिसंगत नहीं। अच्छा जब ये हो गया अब तब बोलता कौन बोला कि भोग को वस्तु पारमार्थिक तत्व है भोग। अरे भाई जिस लोक में जा करके भोग का तब लोक पारमार्थिक ये बोलते हैं। अलग अलग लोक में अलग अलग भोग को वस्तु है, अलग अलग जीव जाते हैं और उस भोग को वस्तु को प्राप्त करने के लिए जीव तदन कोई कर्म करते हैं। इसलिए भोग को वस्तु के लिए उसी वस्तु ने माना था। अब बोलते हैं नहीं नहीं भोक्ता का भी नाश हो जाता है, भोग को वस्तु का भी नाश हो जाता है, परंतु जिस लोक में वो लोग जाते हैं भोगते हैं उसका नाश नहीं होता। एक कोई वादि का यही मानना है, जिसमें लोग पौराणिक लोग आइए। आगे देखिए बोलते हैं भूत भुग स्वर इति त्रय लोका वस्तु भूता संति इति पौराणिक। ठीक है ना, पुराणों में ये अधिकतर दिखाई पड़ता है। क्या बोलते हैं भूत भुग स्व, इसमें चतुर्थ भुवन अंत इंक्लूड हो जाता है। भू मतलब हो गया नीचे का, भुवा हो गया अंतरिक्ष का, स्व मतलब सरकार। तो भूत भुव स्वर इति त्रय लोका वस्तु भूता, ये जो है पारमार्थिक शास्त्र में वस्तुभूता संति वो लोग है, इति इस प्रकार से पौराणिक लोग कहते हैं। तद अपि कल्पना मात्रम, वो भी एक कल्पना है। क्यों? आपने जैसे चतुर्दश तत्व मान लिया तो क्या हो गया, एक वस्तु को परिच्छिन्न करता है। जब इसी जगह में आपने क्या माना कि जिस प्रकार एक कैलाशास्त्र और ब्रह्म विद्यापीठ एक दूसरे को परिच्छिन्न है, जहाँ कैलाशास्त्र में ब्रह्म विद्यापीठ नहीं है, जहाँ ब्रह्म विद्यापीठ हम भी कैलाश, इसी प्रकार के दूसरे जीवन की। अब ये परिच्छिन्न वस्तु क्या होता है, बेकारी होते हैं, इसलिए इसका रिपेयरिंग आवश्यकता है। तो ये पारमार्थिक तत्व कैसे हो सकता है? जिसी प्रकार कैलाश में रहने वाले व्यक्ति कैलाश में रहने वाले भोग विषय में ही परिवर्तन होता है, नाशवान होता है, इसी प्रकार स्वयं आश्रम भी नाशवान है। ये भी तो उत्पत्ति हुई, लोग की उत्पत्ति हुई। ठीक है, थोड़ा लंबा समय रहेगा, कितना ही मात्र भिन्नता है। इसलिए हम बोलते हैं भू भूव स्वर इति त्रय लोका वस्तु भूता संति इति पौराणिका तद अपि कल्पना मात्र। क्यों? स्थान भेदेन त्वित्ते, तो आपने स्थान भेद करके यहाँ पे जो त्वित्व बोल रहा है तो चतुर्दशत्व चतुर्दश भुवन है ना, चतुर्चौदह लोग हैं। तद अनंतस्य दुरुत्तरत्व, इसीलिए उसमें अनंतता होगा ये तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि वो नाशवान होगा ही होगा। स्वातंत्रस्य च असिद्धत्व, उसमें स्वतंत्रता भी नहीं रहेगा, वो स्वतंत्रता भी नहीं रहेगा, इनको परतंत्र हो गई, ये परिच्छिन्न वस्तु परतंत्र होगी जो ना पड़ता है। और वो चेतन भी नहीं, इसका कल मैं पहले भी बताया था कि सारा जो तुम बोल रहे हो लोग का जान करके बोल रहे हो, नहीं जान करके बोल रहे हो, यानी कि इसके नहीं जान करके बोलते तो अज्ञान से हुआ, वो भी हमारे पक्ष में जान करके बोल रहे तो जानने वाला पीछे विद्यमान है, इसलिए ये मूल तत्व नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई और तत्व है। ठीक है ना, ये तो कॉमन रीजनिंग है। और एक ये अलग अलग बोलते, एक प्रत्येक अलग अलग प्रत्येक स्वतंत्र तत्व है कि मिलकर के तत्व है? यदि स्वतंत्र तत्व है तो किसी एक से ही काम चल, और यदि मिलकर के तत्व एक में थोड़ा बिगड़ेगा तो पूरा बिगड़ गया। इस प्रकार से ये पारमार्थिक तत्व नहीं हो सकते, अनेक में द्वैत में ये सारे समस्या है, अद्वैत में निर्मावय वस्तु में गुणरहित वस्तु में ये समस्या नहीं है। इसलिए स्थान भेदेन त्वित्ते तद आनंद दुरुत्तरत्व, उसको अनंतता तो हो नहीं सकता, उसको संभव ही नहीं है, और स्वातंत्र सिद्धत्व उसको स्वतंत्रता भी सिद्ध नहीं होता। इति आहो, इसी को मन में रखते हुए बोलते हैं लोका इति लोकविद, लोका इति लोकविद। वहाँ पे देखिए दो नंबर तीन नंबर टिप्पणी ना, एक और दो नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ती है कि नहीं? एक है स्थान भेदेन तृप्ति तद आनंद, स्थान भेदेन इत्यादि भूत समुदाय आत्म भूत समुदाय आत्मक लोकस, लोग क्या है भूत समुदाय, पांच भूत के बना होते भूत समुदाय आत्मक लोकस समुदाय ऐक्यन एकत्व स एव उपजित्वा। तब यानी कि ये समुदाय क्या हो गया, अनेक मिलकर के जो बनता है, अनेक मिलकर के जो बनता है उसके बोलते हैं समुदाय, और जिससे बनते हो गया समुदाय।
तो एक एक जो समुदाय है, मतलब ये भूत जिससे सृष्टि हुआ है इसके द्वारा नियंत्रित हो रहा है, उसी को उस एक तत्व को मानने काम चलता है, तो इसमें पारमार्थिक मानने का क्या आवश्यक है। इसलिए बोलते हैं भूत समुदायात्मक लोकस्य भूत समुदायात्मक जो लोक है, मतलब भूत समुदाय की बोल रहे हैं, वो लोक जो बना हुआ है ये भी पंचभौतिक है, ये आश्रम भी पंचभौतिक है, आश्रम में रहने वाले व्यक्ति का शरीर भी पंचभौतिक है और जिस वस्तु को भोग कर रहा है वो पंचभौतिक है। तो भूत समुदाय जब वहाँ पे एकमात्र तत्व है तो इसीलिए उस एक तत्व को मानना है तो ठीक रहेगा। इसलिए बोलता है भूत समुदाय आत्मक लोकस्य समुदाय ऐके न, समुदाय के साथ एक होने का एकत्व से बचली वहाँ पे एकत्व ऐसा मानना है जो संगत होता है। स्थान भेदे न समुदाय भेदे, है ना, स्थान अलग अलग होगा तो जो समुदाय से समुदाय मतलब स्टेप ये अलग स्थान ये अलग स्थान ये अलग स्थान ये सब तीन मिल करके जिस प्रकार इसमें पैर एक स्थान हो गया, पेट एक स्थान हो गया, क्षति एक स्थान हो गया, ठीक है ना, और ये अलग अलग समुदाय इससे बना ये समुदाय पूरा शरीर एक समुदाय। ये हमें बोलते हैं स्थान भेदे न समुदाय भेदे ग्राम नगर आदि अपि लोकत्व प्रसंग, यदि यहाँ पे एकत्व नहीं माना तब क्या हो जाएगा, ये गाँव ये आपका शहर वो भी एक एक लोक मानना पड़ेगा, वो भी आपको एक एक लोक मानना पड़ेगा, ये इसके अंदर भाग है। जिस प्रकार यहाँ पे एक उत्तरकाशी एक ही जगह है, इसमें अलग अलग गांव है, ठीक है ना, इतना गांव मिल करके समुदाय है उससे बनता है समुदाय, समुदाय को ठीक इसी प्रकार से जो अलग अलग लोग मिल करके जो एक पूरा सृष्टि बना उसको अलग अलग मानने से क्या हो जाएगा, उसमें परिचिन दोस्त आएगा या कहीं तत्व रहेगा, मूल तत्व होना संभव नहीं है। इसलिए दो नंबर टिप्पणी, तब आनंद से स्थानानाम आनंदेन तेषाम अपि आनंदम इति भाव, स्थानानाम यदि स्थान अनंत होगा तो क्या हो जाएगा, उस जिससे बना हुआ है वो भी अनंत होगा। मतलब इस कैलाश आश्रम को यदि आपको मतलब नित्य वस्तु मानना है तो क्या करना पड़ेगा, जिससे ये बना है उसको नित्य होना पड़ेगा, क्या है कि नहीं, जिससे ये बना है उसको नित्य होना पड़ेगा। इसी प्रकार लोग समझिए, इसीलिए वह नित्य है, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं तद आनंद से यदि आप उसको आनंद मानोगे, लोक वा लोक पंचभूत से बना हुआ पंचभूत की उत्पत्ति तो श्रुति बोलती ही है, प्राण से लेकर के अस्मात वै तस्मात आत्मना आकाश संभूत जो जो उत्पत्ति सिद्ध है वो नाशोपान भी होगा। अब यदि आप इसको अनंत मानोगे तब क्या हो जाएगा कि देशा मपी मतलब वहाँ पे जिससे वो बना हुआ है वो भी अनंत नित्य मानना पड़ेगा। पंचभूत से बना हुआ है लोक, यदि लोक को नित्य मानोगे तो क्या होगा, पंचभूत को भी नित्य मानना पड़ेगा। शास्त्र क्या दिखाते हैं, इसलिए इसके अंदर भाव की बात, इसलिए ये मूल तत्व नहीं हो सकता, इसलिए मूल तत्व नहीं हो सकता। तब आनंद से दूर तत्व शांत सिद्ध थे लोक है थे लोग। अब जब लोग भी काम नहीं करा तब एक बार ये बोलता है लड़ो नहीं लड़ो नहीं, देवता होते हैं नित्य, देवता नित्य होते। अब देवता नित्य पक्ष में भी देखिए तो हिरण्यगर्भ में से सारा देवता की उत्पत्ति होती है, हिरण्यगर्भ में से कति देवता याज्ञवल्क्य 3306, कति देवता याज्ञवल्क्य 33, कति देवता याज्ञवल्क्य 11 8 6 2 1 1 डेढ़ भी सिद्धि वायु को देखा जो है हिरण्यगर्भ। तब बोलते हैं अग्न अग्नि इंद्रादयो देव अग्नि देवता वायु देवता इंद्र देवता, ये बुद्धि में आते हैं अग्नि इंद्रादयो देव तत्त फलदाता, और उस लोक में जाकर प्राप्त करने के लिए फल देने वाला है वो लोग, न ईश्वर, ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। दर्शन की एक पाठ है, दर्शन की एक पाठ है, ईश्वर को नहीं मानते हैं वो कर्म और उत्तर देवता, देवता को इंद्राय स्वाह अग्नय स्वाह कुछ और वही मूल तत्व है। इसीलिए बोलते हैं कि अग्नि इंद्रादय देव अग्नि इंद्र इत्यादि सब देवता लोग है, तत्त फल दाता उस कर्म के अनुसार फल देने वाला है, न ईश्वर उसमें तथा ईश्वर इस प्रकार नहीं है इति देवता कांडिया गुरु मीमांसा दर्शन के देवता कांड इस प्रकार नहीं है देवता कांड तथा कल्पना मात्र ये भी एक कल्पना ही मात्र है। देवता कांड की जो पूर्व मीमांसा की पाठ है 12-13-14-15-16 संकर्षण कांड है, संकर्षण कांड उसी को देवता कांड बोलते हैं।
पूर्व मीमांसा दर्शन में जो बारह के बाद जो करना है जी बारह के बाद क्या है वो देवता कांड भी है। इसलिए यहाँ पे अग्नि इंद्रादय देवा तत्त फलदाता न ईश्वर तथा इति देवता कांडिया तदपि कल्पना मात्र क्यों अस्मदादि प्रयत्न अपेक्ष फलदात्री तेषां वृत्ति विशेष अभाव प्रसंग विशेष अभाव प्रसंगा। इस प्रकार देखिए कोई मालिक अपने कमरे में कई नौकर रखा हुआ है, पहले तो नौकर को पैसा दे करके रखते हैं, फिर क्या हो जाता है वो नौकर का गुलाम बन जाता है। आप खुद साथ में रुपया का गुलाम बन हाँ पैसा बनते ही है। नहीं मान लीजिए आपने आपके घर में दो नौकर रखा, तुम आपका काम करने का, फिर क्या हो जाएगा कुछ दिन बाद वो जब तक आपको चाय पीने की इच्छा है नौकर रुको मैं थोड़ा बाथरूम करता तो फिर बना वो जब छुट्टी में जाएगा तब तो और ये इस परेशानी को करोना में तो कई व्यक्ति समझ लिया काम करने नहीं आते थे घर वाले परेशान। ये शब्द प्रयोग किया यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं अस्मादादि प्रयत्न अपेक्षा हमारी प्रयत्न मतलब प्रयास की अपेक्षा से फलदाते नौकर जैसा मतलब क्या होता है कि काम मतलब उसको हम जैसा काम करता तब दोनों मालिक हमको पैसा देते हैं ऐसा बोलते हैं यहाँ पे कि अस्मदादि प्रयत्न अपेक्षा फलदातृत्व तेषां वृत्तेभ्य विशेष अभाव प्रसंग परंतु बाद में क्या हो जाएगा कि जैसा अभी इस समय तो मैं वृत्त हूँ देवता मालिक परंतु दो दिन बाद वो भी वृत्त किस कैटेगरी में आ जाएगा बोल रहे थे हमें तेषा वृत्त विशेष अभाव प्रसन्न वो भी ऐसे लोग जैसे मनुष्य देवता मालिक कहीं पे इसको समझने के लिए मालिक ठीक है वो भी पंचभूतिक है उसके पास पैसा है इसीलिए जो है वो कुछ मतलब नौकर रखे काम करा परंतु बाद में क्या हो जाएगा कि वो कुछ नहीं करेगा तो अपने आप फिर उसके साथ वो बिल्कुल इसलिए सर्वम आत्मावश्यम सुखम सर्वम परवश्यम दुखम जब तक शरीर से जितना काम कर सकते हो जितना करोगे उतना सुख जाओगे दूसरे के ऊपर निर्वाह हो जुया तो आपको दुख भोगना ही पड़ेगा दुख भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे आश्रम गुरु महाराज बोलते थे अब बताओ तुम साधु बनने के लिए आए हो और सुबह उठ के मन बोलता है एक कप चाय पी लेता हूँ क्या समझ तुम तो चाय का गुलाम बन गए चाय का गुलाम बन गए जिसके मतलब कभी ऐसा हो जाता है कि आप तो एक आध शौक के लिए करते हैं परंतु बाद में क्या होता है हम उसी की गुलामी करने लगते हैं। मेरे स्वामी जी लिखे हैं कि यदि अपने मन की गुलामी से बचना चाहते हो मैं तब संघ की गुलामी को वर्ण करो गुरु की गुलामी को वर्ण करो नहीं तो मन की गुलामी करते रहो मुक्त हो इसलिए बोले है अस्मदादि प्रयत्न अपेक्ष फलदात्री तेषां वृत्तेभ्य विशेष अभाव प्रसंगा तो वृत्त और नौकर में कोई भिन्नता नहीं रहेगा ऐसे हो जाए। पुराण में कहानी आती है कि देवता प्रजापति के पास जा रहे हैं कि मनुष्य लोक में ये लोग यज्ञ नहीं करते तो उनको हमारा ड्यू शेयर नहीं मिल पा रहा है वही तो उसके ऊपर निर्भर करके होता है। इसीलिए ये भी मूलतः अस्मति नंबर 53 में देखिए अस्मदादि इति कर्म सापेक्ष फलदात्री सती है ना कल्प कर्मों के सापेक्ष में फलदात्री है इसमें देवताओं में जीव भिन्नतम तो क्या हो जाएगा जीव से भिन्न वस्तु भिन्नतम वृत्त कल्प तो साधकत्व मिश्रित वृत्त जब भी हो जाएगा भिन्न हो जाएगा तो नौकर मालिक का जैसा संबंध जैसा ईश्वर में ये दोष नहीं है क्योंकि ईश्वर किसी को अपने से भिन्न करके नहीं बनाया। किसी को दुख दे रहा है तो भी अंतर्जन रूप में वही भोग रहा है किसी को सुख दे रहा है तो भी अंतर्जन रूप में उसको भी प्रेम होगा। इसीलिए हम ये बताने लगे कि वेदांतिक सिद्धांत को ईश्वर कहने का टीकाकार का ये अभिप्राय अन्य वादियों में ईश्वर को अधिक दिखाने के लिए ईश्वर को अमर्यादित कर दो। इसीलिए बोलते हैं देखो कि कर्म सापेक्ष फलदात्री कृष्ण जीव भिन्न वृत्त कल्पत्व साधकत्व इष्यते इति न अद्वितीय ईश्वरवादी नाम अयम दोष तो अद्वितीय ईश्वरवादी में ये दोष नहीं ठीक है ना भिन्नता दो भिन्नता आने से वहाँ पर क्या जाएगा वैषम्य नैघृण्य दोष है वैषम्य नैघृण्य दोष है अवधेयम ऐसा यहाँ पे समझ लेना चाहिए ये बोल रहे हैं स्वातंत्रेण उपकार करते तब आराधना यदि बोलता नहीं ईश्वर मतलब स्वतंत्र रूप से किसी को आपको देवता में फल दे तब देवता का आराधना क्यों करें हम किसी को मन में फल दे देगा
इसका अर्थ है उपासना बेकार हो गया। इसलिए शास्त्र की मर्यादा को रखने के लिए ईश्वर को भेद बना करके तो उपासना करता था तो उनको फल देंगे, परंतु क्या फिर क्या हो जाएगा, वो देवता लोग इसका अधीन हो जाएगा, देवता लोग इसका अधीन हो जाएगा लोग। इसलिए देवता कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है, मतलब क्या हो गया, देवता की स्वतंत्रता नहीं है। ये कहने का अभिप्राय क्या है, ईश्वर के लोग आदि भोगने की इच्छा के लिए हम सत्कर्म आदि करते हैं ना, भोग इच्छा से निष्काम भाव से कर्म करते हैं, वो कोई परमार्थिक तत्व नहीं है, वहाँ पर दुख दुखी नहीं लगा। इसलिए आप बोलते हैं कि अस्मद आदि प्रयत्न अपेक्षा फलदत्त के तेषाम भित्रे विशेष अभाव प्रसंगा स्वातंत्र प्रकार के तद आराधन वैव्याख्या। अच्छा टिप्पणी तीन नंबर पूरा पढ़ लिया था, ठीक है आगे देखिए। तद भक्तानाम अपि विप्रतिपत्ति दर्शन, यहाँ पे तो एक टीका का एक और झटका मारा, कोई शिव भक्त है, कोई काली भक्त है, कोई विष्णु भक्त है, कोई और देवी देवता है, आपस में लड़ते नहीं थे, एक ईश्वर बात को मानोगे तो एक ईश्वर है, मतलब जैसे ही आपने अलग नाम रूप कर लिया तब लड़ाई शुरू हो जाती है, कोई लड़ाई शुरू हो जाती है, बस हमारा मोहम्मद सबसे ऊपर है, कोई कहता है इसे सबसे ऊपर है, इत्यादि। फिर जो है कि इस प्रकार लड़ने वाले भक्तों में ईश्वर कृपा जो है, मतलब देवताओं की कृपा बहुत तुच्छ होता है, क्योंकि आप लड़ाई झगड़ा बंद करके सुख से जीवन जीने के लिए देवता को आराधना कर रहे थे, परंतु जैसे किसी ने कहा नहीं नहीं कृष्ण बड़ा है काली कम है, तुरंत काली भक्त को गुस्सा आ जाता है, वो जो बेचारा को ये समझ में नहीं आता कि कृष्ण और काली में कोई भिन्नता नहीं, तो कोई ऊपर का भेद है अंतर्धार होती है, ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक लड़ते ही रहेंगे। हमने फेस किया इस चीज़ को, देखिए मैं बोला अच्छा केवल इतना आप लड़ाई जाते, आप अपने कृष्ण को केवल इस मूर्ति मात्र मानते सामने इतना मानते हो कि संसार संचालन क्या मानते हो, सबके अंदर रहने वाला है कि केवल इतना एक मूर्ति में क्या मानते हो, चुप हो कहते नहीं नहीं भगवान तो पूर्ण रूप है ईश्वर में, बस यही जो काली मूर्ति है भगवान है कि नहीं है, अथवा जिससे तुम लड़ रहे हो वहाँ पर तुम्हारा कृष्ण बैठा है कि नहीं बैठा है, तो तुम लड़ किससे रहे, कृष्ण से लड़ रहे, कृष्ण का एक रूप ये मसूरी वाला है तो एक रूप जीवा निकला हुआ है, ये तो मुझे समझ में आता है लड़ते लड़ते। ये देखिए अपने आप बोल रहे हैं इस चीज़ को, भक्ता नाम अभिवेक प्रतिपत्ति दर्शना और प्रसाद स्वकिंचित कर रखता, फर्क क्या होता है ईश्वर की कभी थोड़ा ही हो जाता है, भगवान की कृपा जाकर भी आपको दुख मिटाने के लिए अपने भगवान आराधना किए थे, परंतु क्या होता है भेद दृष्टि के कारण दुख मिलती ही नहीं है, इसलिए ईश्वर की भाई थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि भोग परिच्छिन्न मान करके जब ईश्वर आराधना करेंगे तब दुख दुखी रहेगा, उसे बच नहीं सकते। इसीलिए ठीक है सच्चाई आप कृष्ण हम निश्चित बोला, देखो आपके काली इष्ट है आपके कृष्ण इष्ट है, आपकी दृष्टि में निश्चित काली सबसे ऊपर आप कृष्ण हो, परंतु काली को उतना मत रोको, और केवल यही नहीं हम सन्यासियों में देखिए कोई बोलता है मैं रामकृष्ण मिशन वाला हूँ, कोई बोलता है मैं भरत सेवा संघ मैं चिन्मय मिशन, अरे इसका मतलब क्या होगा, हमारा गुरु सबसे बड़ा नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ कि हम लोग आपस में बोलते हैं, इसीलिए इतना ये हम साधु भी समाज को विखंडित करने में हेतु है, हम इस परम्परा के हम इस पर हिंदू धर्म इसलिए से टुकड़ा टुकड़ा होता जा रहा है, हम कम से कम साधु जिससे ये हमारे भक्त है हम इनको नहीं मानते, ये हमारे भक्त है तो हम उसको नहीं मानते, हुआ क्या उससे हम संगठित ही नहीं हो पाते, हिंदू संगठन टुकड़ा टुकड़ा होता है कमजोर होता जा रहा है, इसके लिए साधु भी जिम्मेदार है, एक नया परंपरा साधु से करते तो भक्त लोग ऐसा ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं फिर उसको विभाजन करते हैं, तो हमने ही बोल रहे देखिए आप कितना साल पहले ये चीज लिख के गए 1200 साल पहले जब भगवान भाष्यकार होगा टीकाकरण उसका समस्या नहीं थे उनके सब चीज दिखाई दे रहा था, इसलिए तद भक्ता नाम अभी विप्रतिपत्ति दर्शना तद प्रसाद स्वकिंचित यहाँ तक हो गया देवताओं को देख करके, अरे भाई देवताओं की प्रमाण कहाँ से होता है, देवता कैसे जान पाते हो, मैंने देवता को देखा तो वेद ठीक है ना, अरे वेद तो कर्म कांड को बोलते हैं, देवताओं कहाँ बोलते हैं, देवता बोलते जो यज्ञ होगा
जब को करने वाला उपभोग के लिए जब को करता है, ऐसे नहीं करते हैं, तब ये भोग ही मुख्य वस्तु हो। ये चाल देखो आगे कितना सुंदर है। वेद तो हम लोग का ही रूप है। अरे अत्र वेद अवेदा भवति, वेदांतिक सिद्धांत कम से ज्ञान होने पर इस त्रैगुणिक पति विचरित को विधि को अनिश्चित। जहाँ पे अजातवाद है, मैं पहली बोला मिथ्या को समझने इस सापेक्ष में, स्वप्न मिथ्या क्यों है, जागृत के सापेक्ष में, जागृत मिथ्या क्यों है, आत्मा के सापेक्ष में। इसीलिए वेद की मिथ्या तो कब है, जब आत्मा के प्रति जग, हाँ जब आत्मज्ञान होगा तब आत्मा पर जग जाके वेद मिथ्या। भगवान क्यों बोलते हैं, जो भगवान अर्जुन से युद्ध कराना चाहते हैं, क्या युद्ध गुणातीत हो जाएगा, युद्ध करके उतना रजोगुण बढ़ेगा उसका, मन को ही खड़े होकर के बोलते त्रैगुण विषय वेदा निस्त्रैगुण भवाग्य निर्दंद नित्य सत्यस्त्र निर्जग क्षम आत्मनि होने के लिए बोल रहे हैं, मतलब वेद से बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं। तभी तो बोला सर्वधर्म परित्यज, ये स्थिति के ऊपर हम कहाँ पे खड़े हैं उसके ऊपर निर्भर, ठीक है ना। तो देखिए आप उनका लिखने की शैली को देखिए कैसे कंटिन्यू एक एक के साथ एक जुड़ा हुआ कैसे, और आपको लगता है कि ये सब चीज़ बोल पता जब मैंने फेस किया, अलग अलग वादियों को इस पर फेस किया, इसलिए बोलते हैं आगे देखिए। वेदा इति वेद विदो, वेदा इति वेद विदो, यज्ञ इति च तद्विदः, यज्ञ इति च तद्विदः, भोक्तेति च भोक्तृविदो, भोक्तेति च भोक्तृविदो, भोज्यम् इति च तद्विदः, भोज्यम् इति च तद्विदः, वेदा इति वेदविदो, यज्ञः इति च तद्विदः, भोक्तेति च भोक्तृविदो, भोज्यम् इति च तद्विदः। तो जब देवताओं को अच्छी अंतिम तत्व तो मानना चाहते हो तो देवता के ज्ञान कहाँ से होगा, वेद से होगा, इसलिए वेद अंतिम तत्व। ये लोग कौन बात है, वेद बात है, वेद मानने वाले लोग, वेद वैदिक लोग, वेद को मानने वाले आस्तिक लोग, आप ठीक है, हम उसका अस्वीकार नहीं करते, परंतु हम कहाँ तक वेद को मानते हैं, जब तक हमारे अंदर ज्ञान निष्ठ नहीं। पूर्व में उत्तर मीमांसा भी तो वेद को मान के चलते हैं, हम अस्वीकार नहीं करते, हम वेद को मानते हैं, परंतु वेद कहाँ तक मानते हैं, अपने आप वेद स्वयं अपने पत्र वेद अवेद भवति, ज्ञान के बाद वेद जो है अवेद हो जाते हैं, निर्वेद हो आदि को भी नकारा। अब यही तो बात है, देखिए कि हम वेदांतिक सुंदर हमारे संप्रदाय भी आचार्य भी कभी नहीं कहते हैं कि हम जो बोला वो ठीक है, क्योंकि ये भी मिथ्या है, ये समझना आत्मज्ञान के सापेक्ष में ये भी मिथ्या है। इतना बोलने की हिम्मत रहता था, हिम्मत करके बोलते हैं ये, नहीं नहीं गुरु शंकर जी से पहले गोरपाला सर जी बोल रहे थे 1000 साल उससे विकसित, क्योंकि वहाँ पे जो दिखता है कि वैष्णव सुखम फिर शुक्राचार्य के बाद गौरवदाचार्य, तो यहाँ पे जो है थोड़ा गैप तो दिखता है, परंतु ये सुखदेव जी भी समर रूप जैसा व्यक्ति है, मतलब अनेक लंबा समय जी सकते हैं, गौरवदाचार्य अनेक लंबा समय तक जी सकते हैं, 1000 साल जीता था, 1000 साल ऐसा सुनने को आता है, मतलब ये ठीक है, यानी कि जो हमको गैप की प्रतीति होती है हमारी वर्तमान काल के सापेक्ष में, वास्तविक ये टाइम गैप इतना नहीं है, उन लोगों इतना लंबा समय तक परंपरा से आए, परंपरा टूटी नहीं, अब देखिए श्रृंगेरी मठ की परंपरा अभी तक नहीं टूटी, एक ही मठ है वो परंपरा अभी, बाकी मठ का परंपरा कौन परंपरा कहें कि गैप दिखाई पड़ते हैं, मैं भी गैप दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए तो अच्छा 8 बजे उसको, हाँ कुछ हम कहना चाहते हैं, कल जो है शंकर जयंती, भगवान शंकर के जन्मदिन, तो जैसे ब्रह्म विद्यापीठ में होगा ऐसे यहाँ विरोध पढ़ते हैं हम लोग आकर के, तो सुबह आकर के 7 बजे आएंगे, क्योंकि वहाँ की पूरा 8:30 करेंगे ना, उसे गाड़ी हम लोग यहाँ पे आएंगे, फिर भगवान शंकर जी को पूजा करेंगे, फिर थोड़ा शांति पाठ करेंगे, केवल शांति पाठ करेंगे, फिर रुद्रपाठी होते हैं कुछ नहीं, और अभिषेक मतलब अलग अलग प्रकार के पानी दूध चंदन पित्र अभिषेक नहीं, ये भगवान शंकर जी इस काम को हम लोग ही करते हैं, पुरोहित रहता है सर,
पुरोहित रहता है साथ में, पुरोहित मंत्रादि और कल ये बात मैंने सभी जो है कल प्रसाद जो है ब्रह्म विद्यापीठ में दीक्षा ब्रह्म विद्यापीठ में सर 11 बजे तो कल कल है कल कल पाठ में आना है यहाँ पे यहाँ पर शंकराचार्य पूजा पहले हम लोग करेंगे और फिर इसके बाद ठीक है और कल पाठ बंद रहेगा सुबह का शाम का सब और सुबह पाठ क्योंकि जब शंकर जयंती को लक्ष्मी को इतना दिन चाहिए आप लोग को सुनाई दिया ना कल पाठ बंद होगा हरिओम वो आज वहाँ करेंगे सर्वभावै नमः।